तारीख है 23 जून 2022, समय हो गया है 11:01 PM। जियो न्यूज़ पे अभी कोई 38 मिनट पहले एक वीडियो अपलोड हुई यूट्यूब पे जियो न्यूज़ की, और आपने करी, हामिद मीर साहब ने, आपने कुछ सवाल पूछे और ये वीडियो है इस्लामोफोबिया से संबंधित। यहाँ शायद हो सकता है हामिद मीर साहब आप अपने द्वारा पूछे गए सवाल के मामले में खुद ही आप शायद 10 पन्नों का जवाब लिखने के लिए आप जरूरी समझेंगे। तो जो आपने पूछा मैं पहले साइन कर देता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ, आप देख लीजिए। मैं साइन कर देता हूँ, ठीक है सर। अप्रोक्स टाइम 05 किया है मैंने, 7, 8, 9, 10 कुछ भी, 10 कुछ भी हो सकता है। मैं सबसे पहले आपका सवाल आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपके गेस्ट हैं इनमें इस वीडियो में मुश्ताक अहमद साहब और दस्तगीर साहब जी। आपने सवाल पूछा है भारत जिस तरह की हरकत कर रहा है, मसलन वहाँ कानून चेंज किया गया पाकिस्तान को लेकर के, कश्मीर को लेकर, आपने एक कंपनी भी बनाई, फिर बाद में आपने अभी मेरे क्लारिफिकेशन पर आपने बताया अभी JSR सिक्योरिटीज, उसने जो कुछ आपने किया मतलब पाकिस्तान के अंदर, उसको आप पर्सनल क्यों कर रहे हैं? मतलब ये सब जो कुछ भी है आप इसको इतना व्यक्तिगत क्यों ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपसे क्लैरिफिकेशन मांगी, क्या मेरी कंपनी ने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायोलेशन किया है? वीडियो को छोड़िए, जो मैंने और आप, मतलब आपके और मेरे बीच में जो सवाल जवाब है, एक बात आपने कही कि समझिए हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा, साइन किया और पेपर आपको दिखा भी दिया। सर आपने जो कहा ना कि जिस तरह की हरकत भारत कर रहा है, ये सर ये हरकत नहीं है सर, ये तो मसल स्ट्रेच तो हमने बहुत पहले बोल दिया, और 2020 के 31 दिसंबर 2020 का इंसिडेंट सबको पता है भारत के अंदर, क्योंकि वैल्यू गेन बहुत बड़ा था। और ऐसा ना हो कि हामिद मीर साहब को ना पता हो, नहीं सर, क्योंकि हामिद मीर साहब शायद ये कहने जा रहे थे कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं टेररिस्टों का इंटरव्यू लेने के लिए, तो आप इसको मुझे इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। तो सर देखिए ये आपका नज़रिया है, ठीक है, क्योंकि एज एन एनिमी नेशन मेरे लिए आप आतंकवादी, आपके लिए मैं हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसका बुरा नहीं मानता। भारत में जो कानून में बदलाव किया सर 1947 में, 1947 के अंदर जो कुछ भी था IPC में लिखा हुआ था, पर जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान ने, अभी आपने इस्लामोफोबिया का नाम लिया ना, मैं इस बात को आता हूँ, मेरे से अभी खकान अब्बासी साहब ने भी पूछा कि ये इस्लाम वर्सेस रेस्ट भी हमने वर्ड सर्च किया, मैं पूरा जवाब दूंगा सर,
कश्मीर को भारत से अलग करने के अलावा आपके पास कोई और काम थोड़ी था, या था नहीं था सर? इस्लाम वर्सेस रेस्ट मैंने इसीलिए कहा, पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन के अंदर आप कश्मीर दिलाने की बात करते हैं, वहीं पे आपको जाके क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि अमेरिका में ट्विन टावर गिराए जाने की वजह से इस्लामोफोबिया पैदा हुआ। पाकिस्तान को इतनी जल्दबाजी क्यों थी सर, जबकि वो तो अलकायदा के ऊपर आया, अफगानिस्तान के एक संगठन अलकायदा के ऊपर था ना एलिगेशन, इसको इस्लाम में क्यों लिया आपने सर? क्यों आपने ऐसा माना कि ओसामा बिन लादेन को मारना और अलकायदा को प्रतिबंधित करना अमेरिका के द्वारा किया गया एक ऐसा कार्य है जो कि पूरे विश्व में एक इस्लामोफोबिया पैदा कर रहा है? ऐसा तो नहीं है, खुद अमेरिका के अंदर बराक हुसैन ओबामा का आना, बराक ओबामा के नाम से वो जाने गए, पूरा नाम पर बराक हुसैन ओबामा उनका, एक मुस्लिम का अमेरिका में राष्ट्रपति बन के आना, प्रेसिडेंट बन के, और उनकी टीम के द्वारा ही जो है ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में एक रेड के दौरान मारा जाए, मतलब उनको मारा गया, मतलब ये कैसे संभव है? इंटरपोल की रिपोर्ट भी यही बताती है, हामिद मीर साहब आप खुद कहते हैं कि आतंकवादियों का इंटरव्यू आपने लिया है, तो मैं जानना चाहूँगा वो कौन कौन आतंकवादी हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? ऐसा कोई है जिसका धर्म हिंदू था? तो सारे मुसलमान ही थे सर, मैं नहीं कहता, ये खुद आपकी प्रोफाइल बताती है। आप अलकायदा के अंदर जब आप एक बार पहुँचे तो सुना आपको काफ़ी चोट भी आई और बहुत मुश्किल से आप ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू लेके आने वाले लोगों में से एक है, या जवहरी किसी का लाए थे ना इंटरव्यू, जब आप खुद कह रहे हैं कि सर वो एक आतंकवादी हामिद मीर साहब, और फिर इस्लामोफोबिया जैसी बहस खड़ी करना, और उसके बाद ये कहना कि इस्लाम और आतंकवाद जुड़ा हुआ नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, एक बात। दूसरी बात, हमने सर जो कानून में चेंज किया ना, मैं उसको समझाना चाहूँगा, उसको समझ भी लीजिए, और वो ये कि सर देखिए मुझे भारत में दो बेल्ट नंबर मिले, पहला पीएमओ 32-36 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके बाद सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760। तो सर मैं भारत से किसी भी भूमि को किसी दूसरे को क्यों लेने दूँ सर, जबकि कश्मीर जो है सीधे तौर पे महाराजा हरि सिंह की संपत्ति था और है, उन्होंने अपने विलय पत्र में सीधे तौर पे कश्मीर का विलय भारत में करने की अपील करी और एक कंडीशन रखी, वो कंडीशन सर प्लेबिसाइड नहीं थी, उन्होंने ये कहा कि मैं एक ही कंडीशन पे भारत के साथ अपना विलय मंजूर करूँगा अगर भारत मुझे इस बात का भरोसा दिलाए वह मेरी जमीन आक्रमणकारियों से मुक्त करवाएगा। आप चाहेंगे तो सर मैं आपको महाराजा हरि सिंह का लिखा हुआ लेटर, और उस पर काफ़ी अच्छी किताब लिखी गई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, या महाराजा हरि सिंह के लेटर की कॉपी आप पाकिस्तान गवर्नमेंट से या यूनाइटेड नेशन या ICJ से मांग सकते हैं, उसमें यही कंडीशन। और दूसरी बात उसमें कही गई कि मेरी जनता को आप तकलीफ नहीं होने देंगे, बस इतनी सी बात थी, और इसी वजह से जो है इंडियन आर्मी ने एक्ट करते हुए इमीडिएटली कश्मीर में इंडियन आर्मी डिप्लॉय कर दी, क्योंकि वो तब की गई जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की मदद से, रूस के लड़ाकों की मदद से महाराजा हरि सिंह के सीधे तौर पे हमला किया गया, और जब उन्हें लगा कि क्योंकि जो जिसको आप POK मानते हैं वो कब्जे में आ चुका था, तो इससे पहले बहुत देर हो जाती, महाराजा हरि सिंह ने बिना देर करे उस समय
के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र लिखा और इंडियन आर्मी से मदद मांगी। नतीजा ये हुआ कि एक LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई, जो कि LAC नहीं बनी सर, कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कभी नहीं बनी, वो LOC है सर, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ताकि दोनों देशों की आर्मी में जो है क्या कहते हैं युद्ध ना हो, और एक तरह का जो है युद्ध विराम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा तय किया गया, जिसको भारत ने और भारत की सेना ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ सर, भारत में IPC की धारा 18 के अंदर भारत की जो परिभाषा है उसमें, जी हाँ कानूनन, उसमें जम्मू कश्मीर राज्य कभी नहीं था सर, मैं झूठ नहीं बोलता, कभी कोशिश करता हूँ, पर हाँ ये ज़रूर है जब बात आती है कुछ इन्वेस्टिगेशंस के मामले में, मैं तो मल्टीपल फाइल्स बना के चलता हूँ, पर ये वीडियो ऑफिशियल है मेरी तरफ से एज ए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया 3760, ये व्यक्तिगत नहीं है सर, समझिए बात को, और ये जो है क्या कहते हैं किसी भी तरह से जो है, मैं कोई आपसे सर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी निकाल रहा हूँ सर, साफ सीधी बात है। तो हमने आर्टिकल 18 के अंदर ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सीधे तौर पर बदलाव करते हुए उन क्षेत्रों को जो कि भारत की भारतीय दंड संहिता के अंदर कानूनन नहीं थे उनको जोड़ा, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य, जी हाँ, उसके बाद बांग्लादेश, फिर आपका जो है नेपाल, पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जो आपके उधर क्षेत्र में खैबर, मतलब लगभग एरिया हमने जोड़ लिया, साथ ही अजरबैजान और आर्मेनिया भी, ये क्षेत्र हमने जो है कानूनन अपनी IPC की धारा, जी हाँ 18 के अंदर जोड़ते हुए भारत की परिभाषा पूरी करी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए सर, आप लोग जो है इस्लाम के नाम पे कश्मीर में दिन प्रतिदिन आप लोग हिमाकत कर रहे थे, इसे कहते हैं सर, इसे मतलब जोर आजमाइश। भारतीय सेना या इंडियन आर्मी सर किसी से कमज़ोर नहीं है, आए दिन आपके मिलिट्री जनरल की तरफ से न्यूक्लियर पावर होने की धमकी देना, मैंने तो साफ तौर पे पहले दिन ही कह दिया था, मैंने कहा था सर कि मेरे लड़कों में, ठीक है, शुक्राणुओं की कमी नहीं है कि जो मुझे परमाणु की जरूरत पड़े, ये ध्यान रखिएगा सर, मैंने ब्लंटली कहा ये बात, क्योंकि मैंने साफ कहा था जिस दिन भी मैं युद्ध में उतरूंगा 130 करोड़ सर और 260 करोड़ हाथों के साथ, मैं आर पार का गेम जानता हूँ सर। फिर उसके बाद मैंने सर भारत की संविधान की धारा 3, 4 और 5 और 147 में सीधे तौर पे भारतीय दंड संहिता की धारा 18 को लेते हुए बदलाव किया, और उससे पहले इन बिटवीन मैंने संविधान की धारा 17 का इस्तेमाल करते हुए, 17 ही है शायद, का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार को प्रशस्त किया, और इन सभी क्षेत्रों में भारत सरकार है सर, बिल्कुल है। और उसके बाद भारत सरकार प्रशस्त करने के बाद ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जी हाँ हमारे अटॉर्नी जनरल वहाँ मौजूद हैं, आपके देश के भी मौजूद हैं, वहाँ सर हमने आर्ग्यूमेंट भी रखी, फिर मैंने भारत के संविधान में बदलाव करते हुए इन सभी क्षेत्रों को अपना क्षेत्र घोषित किया, और वहाँ पे भारत का संविधान होने की घोषणा करी। मैंने सीधे तौर पे सर साफ साफ कहा कि आपने जो भी बात कही मेरे कुछ सवालों का जवाब आपको देना होगा। पहली बात, पाकिस्तान किस आधार पे आपने बनाया, ये मैंने पूछा नहीं है, पर आज मैं आपसे पूछता हूँ क्यों बनाया सर। महाराजा हरि सिंह एक हिंदू राजा की संपत्ति पे एक मुसलमान का अधिकार कैसे हो सकता है, इस बात का जवाब आपके द्वारा भेजे गए
अटॉर्नी जनरल्स के पास आईसीजे में नहीं था और पहले ही दिन पहली आर्ग्यूमेंट पे ही केस हमारे फेवर में आया और साफ तौर पे आईसीजे ने पाकिस्तानी आर्मी को किसी भी प्रकार के मिलिट्री ऑपरेशंस को चलाने से मना करवा दिया। एक और बात बताता हूँ सर, ये सब करने से पहले मैंने कई बार आपको आगाह भी किया कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे और इंटरनेशनल सोसाइटीज़ ने, जो कि पूरे विश्व को चलाने के लिए जिम्मेदारी रखते हैं, उन्होंने आतंकवादी देश घोषित कर दिया था सर। इस न्यूज़ को हटाने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया और बाद में आपने, जो कि इस्लाम के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, खुद इस्लामिक रिपब्लिक ने, जी हाँ, ज्यूइशों के साथ मिल करके दोस्ती करी। अब आप मुझे बताएं सर, क्यों? और फिर उसके बाद आपने इस्लामिक इंटेलिजेंस और ज्यूइश इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, ये सब बेकार की बातें सर, बेकार की। इमरान खान साहब जो है रूस जाते हैं कश्मीर, क्यों उस कश्मीर आपका है सर? मैं हामिद मीर साहब आपसे पूछता हूँ, महाराजा हरि सिंह एक हिंदू राजा सर, भारत हिंदू है सर, 1947 का बंटवारा जो है इसी आधार पे हुआ कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता सर। आज भी भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है। हालात आपने देखे सर, आज़ादी के समय भारत के अंदर मात्र जो है क्या कहते हैं आपके 10 या 12 करोड़, संख्या आगे पीछे हो सकती है, चेक कर लीजिए, पर आप मेरी बात को समझिए, मुसलमान थे। आज सर भारत के अंदर मुसलमानों की संख्या 40 करोड़ है सर, ये हमारी खासियत है। और पाकिस्तान में बंटवारे के समय आपको जान के हैरानी होगी कि 32 से 35 प्रतिशत की आबादी हिंदुओं की आज 2% पर रह गई। एक महिला सजीदा अहमद स्वयं इस बात को एक्सेप्ट करती है, मेरी बात हुई उनसे कि इदेश आपको नहीं पता हम लोग कपूर हैं, कपूर कास्ट से, वो हिंदू हैं और ज़बरदस्ती हमारे को जो है बंदूक की नोक और डर से मेरे मुंह से कुछ निकल गया, ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं मेरे साथ जो इन्होंने किया और मेरा नाम सजीदा अहमद कर दिया गया। क्या हामिद मीर साहब आप इसको आतंकवाद नहीं मानेंगे? भारत के अंदर तो हम तो नहीं करते सर इस तरह की हरकत, स्वेच्छा से लोग आते हैं और जाते हैं। अब बात कर रहे हैं आप मेरे से कि आपने जो कुछ भी किया, जो आपने कंपनी बनाई, सर ये कंपनी नहीं है सर, ये JSR सिक्योरिटीज़ है सर, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज़, जी हाँ सर, खुद पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता है और जिस व्यक्ति को CIA द्वारा वांछित घोषित किया जाता है वह पाकिस्तान के अबोटाबाद में मिलता है। अलकायदा के आतंकवादी का इंटरव्यू लेके आने वाला व्यक्ति मेरे से ये कहना चाहता है कि इस्लामोफोबिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ हामिद मीर साहब, आप जब अलजवेरी का ही शायद इंटरव्यू लाए थे तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि वो जवारी साहब का धर्म क्या था? इस्लाम तो नहीं था शायद, या इस्लाम ही था? आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैंने पाकिस्तान के अंदर कई तरह से काम करने की कोशिश करी, आप जानते हैं आप लोगों ने मरियम नवाज शरीफ को जो है क्या कहते हैं पुलिस थाने में ले जाके कितना मारा था, क्या आप इसे छुपाएंगे? खुद रावी पीरज़ादा को जो है ISIS को दे दिया गया, मेरे कमांडोज ने छुड़ाया सर। कितने सवाल पूछूं मैं सर, ये सवाल हैं या जवाब हैं आप समझो। अब आप मुझे ये कहते हैं कि आप इसे व्यक्तिगत ले रहे हैं, सर मैं व्यक्तिगत क्यों लूं सर? व्यक्तिगत में तो आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे सर। शाहिद खक्कान अब्बासी जी आप मुझे बताओ, खुद इमरान खान साहब क्या इस बात को डिनाई कर जाएंगे कि उन्होंने ISIS ज्वाइन नहीं करी?
बिल्कुल करी। इमरान खान साहब का कभी स्टेटमेंट कुछ है कभी कुछ है। आपका देश, आपके देश में मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ और लोग जो हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी में आ गए, क्योंकि आप अपने देश के पैसे का इस्तेमाल अमेरिका, चीन, रूस, इन जैसे देशों के खिलाफ कर रहे हो। खुद आपके देश में चीन के इंजीनियर मार दिए गए, लगातार 8 जगहों पर बम ब्लास्ट हुए, बताते हैं क्या जवाब दें सर, कैसे? महाराजा हरि सिंह की अगर आप बात करते हैं, बार बार पाकिस्तान की तरफ से और वहाँ के लोग जो आपके पत्रकार लॉबी और सब ये कहते हैं कि प्लेबिसाइट, आपने पहले पत्र पढ़ा भी है, वो प्लेबिसाइट थोड़ी कहा है, जनमत थोड़ी कहा है, पढ़ो तो सही सर आप। उन्होंने ये बात जरूर कही कि मैं इसमें एक ऑब्जेक्शन लगा रहा हूँ विलय में, और वो ऑब्जेक्शन इतनी सी थी बस। तो मैंने आते के साथ जैसे ही लेटर पढ़ा, मैं कहा बस इतनी सी बात है, वचन दिया सर। महाराजा हरि सिंह के परिवार को, जो डोगरा वंश से हैं, उनको वचन दिया सर, मैं हूँ श्री राम ठाकुर कुल से, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जहाँ तक महाराजा हरि सिंह की धरती होगी ला के देंगे सर। अगर उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, अगर मैं मुझ कह रहा हूँ तो मैं भारत और इंडियन आर्मी की तरफ से बात कर रहा हूँ सर, ये व्यक्तिगत नहीं है। मेरे बेल्ट नंबर पाकिस्तान में कौन नहीं जानता? आप लोगों ने वहाँ हत्याएं शुरू करी सर, हमने नहीं करी है। यहाँ तक कि आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस मैसेजिंग मेथड के अंदर नम्रता की हत्या कर दी गई, कि पाकिस्तान में अब नम्रता नहीं है। एक सिंधी लड़की कंदिल बलोच की हत्या हुई, हत्याएं भारत में भी हुई है सर, पर आप नहीं जानते कि कमलेश तिवारी की हत्या करवाने में किन किन लोगों का नाम शामिल है। पुलवामा हमले के अंदर जो है आपने किस तरह का एजेंडा इस्तेमाल किया, आप जानते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद से कब हटा दिया हमने, जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग सा एजेंडा इस्तेमाल करते हुए सीधे तौर पे जो है मोदी की एक बात को जो है क्या कहते हैं डिनाई भी किया, पर मोदी ने सीधे तौर पे यहाँ पे न्यूज़ में ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का मामला है उसके लिए जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता मांग ली। हमने उसी दिन उसको जो है कुर्सी से हटा दिया था, ये बात ISI वाले भी जानते हैं। बात आपके और हमारे बीच है, मैं किसी तीसरे से बात नहीं करता। मैं क्यों जाकर रूस को बोलूं कि पाकिस्तान हमारे से उससे जो है कश्मीर की बात करता है? क्या बात कर रहे हो सर, बहुत हिम्मत है हमारे में। आपका ये कह जाना कि आप इसको जो है क्या कहते हैं पर्सनल क्यों ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा, बुरा मत मानना हामिद मीर साहब। अगर आपने तथ्यों को ध्यान से पढ़ा होता ना और समझा होता तो आपको समझ में आता सर। हिंदू राजा की प्रॉपर्टी पे मुसलमानों का, वो बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि वहाँ पैगंबर साहब की जो मजार जो काबा में तोड़ी गई उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, या पैगंबर साहब की प्रॉपर्टी पे जो है मैं हितेश हिंदू होते हुए कहूँ कि नहीं जी मेरी प्रॉपर्टी है, नहीं सर मेरी नहीं है। और पैगंबर साहब तो क्या कहते हैं आए हुए सिर्फ 1500 वर्ष हुए हैं, और हम तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और हम तो क्या कहते हैं धरती पे सदियों से हैं। ये तो खुद आप भी एक्सेप्ट करोगे क्या? आप मुझे बता सकते हैं हामिद मीर साहब प्रभु श्री राम का युग जो है क्या कहते हैं वो कब का है, और पैगंबर मोहम्मद साहब का कब से? कितने पन्ने पलटोगे सर, 1500 वर्षों से ज़्यादा नहीं पलट पाओगे। यही बात मैंने श्री राम मंदिर के मामले में जब बहस शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, पहले दिन ही मैंने लिखवा के भिजवा दी थी, साइन कर दिया था सर सीधे तौर पर। ये अगर इतिहास की बात करते हैं तो किस आधार पे करेंगे? 1500 वर्ष से ज़्यादा तो 1500 वर्षों से ज़्यादा तो पन्ने पलट ही नहीं पाएंगे। अगर एक वर्ष का एक पन्ना भी मान ले तो 1500 से ज़्यादा पन्ने हैं ही नहीं इनके पास, और हम तो युगों की बात कर रहे हैं। 10827 वर्ष का एक युग होता है सर, और प्रभु श्री राम का जन्म जो है त्रेता में माना गया है, मतलब सतयुग।
के बाद त्रेता के बाद द्वापर के बाद कलयुग, मतलब आप लगा लीजिए कितने हो गए, मतलब कुछ नहीं कुछ तो। और ये भी नहीं जानते कि उन युगों में कितना फर्क है। तो बहस तो रही नहीं जाती ना, आप स्वयं इस बात का फैसला कीजिए कि भारत के अंदर मुसलमानों के हालात पे बात करने वाले लोग पाकिस्तान में बैठ के खुद ये नहीं जानते कि पाकिस्तान में जो है 40 रुपए से 60 रुपए किलो आटा बिक रहा है सर, और भारत के मुसलमान आज भी यहाँ पे सर 25 से 26 रुपए किलो आटा आराम से सर इजी अवेलेबल है, और वो भी कुछ कारणों से जो है, क्या कहते हैं हमारे एक व्यक्ति ने जो है, हम तो हमारा ही कहेंगे सर क्या करें, हमारे एक व्यक्ति ने एक ऐसी बात कह दी अपने आपको ग्लोबल लीडर बनाने के चक्कर में जो कि हमारी विदेश नीति के ठीक विपरीत है। हम तो पसंद ही नहीं करते ऐसी विदेश नीति। मेरा पूरा नाम हितेश मंडल है हामिद मीर साहब, पिता का नाम श्री सुरेश मंडल, माता का नाम सुमन देवी, जन्म मेरा जो है साहब दिल्ली में माना गया है और दिल्ली में ही हुआ है सफदरजंग हॉस्पिटल। रहने वाला साहब मैं बिहार भागलपुर कुमारपुर से हूँ, पैतृक संपत्ति मेरी वहीं है सर, शादी मेरी भागलपुर में हुई, शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं। आप मेरे को इस बात का जवाब देंगे पाकिस्तान के अंदर महंगाई के लिए भी मैं ही दोषी हूँ क्या सर? पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में पना दिए जाना उसके लिए मैं दोषी हूँ? एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार डैनियल पॉल का सर काट दिया जाता है, वीडियो वायरल की कर दी जाती है, क्या उसके लिए मैं दोषी हूँ? क्या उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार या आपके सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन आर्मी? पाकिस्तान के अंदर रेहम खान पे अभी रिसेंटली जब रेहम खान पाकिस्तान आई तो उनसे पत्रकार लॉबी के एक महिला पत्रकार ने सीधे तौर पर सवाल कर लिया कि आप पाकिस्तान क्यों आई? फिर उनके पीएसओस की गाड़ी पे हमला हो जाता है सर। क्या मैं जान सकता हूँ आपसे कि ऐसा हो क्यों रहा है? पाकिस्तान में सर आईएसआई की सोच अलग, मैंने बताया था आपको यही प्रिंसिपल भी वहाँ पे, नेता अलग हैं सर। आर्मी अलग जा रही है, जिहादी ग्रुप्स अलग हैं। कंधार हाईजैकिंग के बाद ऐसा क्या पड़ रहा था सर पाकिस्तान में कि जो हाफिज सईद जो है पाकिस्तानी पहुंच गया, हाफिज सईद मौलाना मसूद अजहर सैयद सलाहुद्दीन और उसके साथ छोड़े गए 15 या 20 आतंकवादी और थे। अच्छा आतंकवादी ना कहूँ उनको, क्या कहूँ सर? यूनाइटेड नेशन द्वारा भेजे गए कमांडोज थे, यूएन पीस कीपर्स, कि वो गए उन्होंने बातचीत करी और भारत के नागरिकों को छोड़ दिया गया। आप किस तरह से मतलब इन सारी बातों को समझना चाहते हैं ये तो आप सोचेंगे ना सर, मैं तो नहीं ना, बताइए। अब हामिद मीर साहब आप मुझे एक बात बताइए, काबा के अंदर 2002 से 2014 के बीच कभी किसी टाइम समय में पैगंबर साहब की मस्जिद तोड़ दी गई, क्या उसमें भारत सरकार का दोष है? उनकी पहली पत्नी खदीजा जी का घर तोड़ करके सार्वजनिक शौचालय के लिए रास्ता बना दिया, क्या उसमें मेरा दोष है? अब आप मुझे बता सकते हैं क्या कि काबा के अंदर जो आप तो इस्लामिक रिपब्लिक बना रहे हैं ना, बना रहे थे, क्यों सर? पाकिस्तान के अंदर उजमा बुखारी जी का एक इंटरव्यू आया, आप जानते हैं उन्होंने क्या बोला उजमा बुखारी जी? एक बार देख लेते। पाकिस्तान में महिलाओं के हालात इस्लाम की वजह से है या
ये आपका संविधान है सर। मेरे मुझे लगता है कि मैंने जो आपको जवाब दिए उसमें एक बात और जोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर नोटबंदी के बाद, नोट बदली या बंदी जो भी है, कानून वही था, पाकिस्तान को कुछ बचा कहाँ था सर? यही काम भारत में हुआ। पर आप शायद ये नहीं जानते, हामिद मीर साहब, मैं वो व्यक्ति हूँ जिन्होंने इनके द्वारा दोनों ही देशों में, भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उधर नवाज शरीफ ने आपस में मिलके, तो जोश है। अब ये जूडो 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 फोबिया बोले सर, इसे जूडो जूडो फोबिया बोले क्या कहेंगे अब आप? अब जोश ये कहेंगे कि जूडो फोबिया चलाया जा रहा है? नहीं सर, गलत तो गलत ही है। मैंने इसका एक रास्ता बताया दोनों देश की जनता को कि आप एक काम कीजिए, आपके पास जो करेंसी है ना, इसको जाके गोल्ड में बदल लीजिए, बाकी मेरी जिम्मेवारी, और अपना गोल्ड अपने पास रखिए। मेरी जो टीम काम कर रही है ना सर वहाँ पे, JSR सिक्योरिटीज जिसे आप कंपनी बोलते हैं, जी हाँ, पाकिस्तान में वो प्राइवेट है और भारत के अंदर जब वो कश्मीर में है तो वो इंडियन आर्मी है। हमारे पास सर इंटरनेशनल लिस्ट है सर, और वो लिस्ट हमने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के लिए ली है। कॉन्ट्रैक्ट है सर हमारे पास यूनाइटेड नेशन, ICJ, इंटरपोल, HRC, WHO, आपका ILO, फिर ये HRC का मैंने आपको बताया, तो इन सब ने लिस्ट ले रखी है सर। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादियों को मार गिराने का जिम्मा हमने लिया सर। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जिनको बड़ा बखूबी चलाया जाता है। अट्टा के बारे में सुना है सर आपने, जहाँ गैर कानूनी रूप से हथियार बनाए जाते हैं आतंकवादियों के। पाकिस्तानी आर्मी धड़ाधड़ पाकिस्तान में लोगों की भर्ती करती है और उनको जो है मात्र 15-20 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद हरकतुल अंसार, जमातुल दावा, लश्कर तैयबा, ISIS, इन संगठनों में भेज देते हैं। क्यों सर? आप चिंता मत कीजिए, पाकिस्तान में सर हमारी बंदूकें आग उगलेगी, पर उनके ऊपर जिनका नाम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी लिस्ट में, अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में इमरान खान का भी नाम हुआ तो हम उसको मार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझसे सवाल पूछा आज, कि हामिद मीर साहब को सवाल पूछे, और मुझे लगता है कि जो मैं जिन सवालों का जवाब मैंने आपको दिया है वो फैक्ट चेक है, आप भी कर लीजिए। मैंने कोई भी काम सर अपने घर में नहीं किया है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया सर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और जिसे आप कंपनी कह रहे हैं ना JSR सिक्योरिटीज, वो इंटरनेशनल आर्मी है सर, और इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस द्वारा सर्टिफाइड है, ICJ से लाइसेंस मिला हुआ सर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, जी हाँ। इसीलिए JSR सिक्योरिटीज विश्व के 235 देशों में सर, उसको घटा के हमने मात्र 230 किया, फिर घटाते गए और 222 किया सर, और अब मात्र 185 देश बचे हैं सर, कई देश मर्ज कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं चाहूँगा कि आप इसको कंसिडर करें, देखें जरूर।
थैंक यू वेरी मच सर। अगर ऑफिशियली कुछ देखना चाहें मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ सर। आप चाहें तो इंटरनेशनल सोसाइटी सिविल डिफेंस से कन्फर्म कर सकते हैं सर। ये मेरा आई कार्ड है सर, दिल्ली सिविल डिफेंस 14681 और यूएन रिपोर्टर, यू रिपोर्टर भी है सर जी। हाँ आप चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।